रमजान महीने में इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। तो मेरी जरा मजाक करने की आदत है, बुरावत मानिएगा सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हीरोइन, आइए हीरोइन कहाँ है, दोनों हीरो दोनों भाई आइए। इन सबका आप प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, अरे सर प्लीज आइए, अमित जी आइए, दीपाली जी आइए, उसके बाद फूलों के गुलदस्ते सबको दिए जाएंगे, बहुत से मेहमानों को। ठीक है, नायक रख दीजिए पीछे ना सबको, रोहित 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 गणपति बप्पा, भारत माता की जय। हिंदुस्तान हमारा सबसे महान है। प्रोड्यूसर को ही खिलाओ भाई, डायरेक्टर को भी तो खिलाइए, मैं भी हूँ सर जी। आपकी वजह आपका ही है। क्या बात है, क्या बात है, चलिए सर कहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। स्टोरी मूवी है और इसमें मेरा किरदार एज अ लीड है, और बाकी आप लोग मूवी देखेंगे तो उसके बाद आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपके बारे में भी कुछ जानना चाहूंगी, आपने इससे पहले कुछ प्रोजेक्ट किया है और आपका नाम? यस, मेरा नाम गोमती बैंसपति, आई एम फ्रॉम नागपुर। इसके पहले तो मैंने कोई ऐसा एक्टिंग का कुछ किरदार नहीं किया है, बट आई हैव डन लॉट्स ऑफ ग्रीन शूट्स। तो प्यार मेरा सच्चा आज की स्क्रिप्ट में जब आपके पास ये ऑफर आया फिल्म, तो इसमें आपको क्या ऐसी खास बात लगी कि आपने इस फिल्म के लिए आपने हाँ की? इसमें मेरे लिए एक चैलेंज है, जो हीरो होता है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही इज़ अ वेरी बैड बॉय, तो उसको सुधारने का एक मौका मुझे मिला है जो इस फिल्म के अंदर है, तो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो आपको जो किरदार निभाने के लिए दिया गया है, क्या लग रहा है कितना मुश्किल होगा आपके लिए, आपके जैसे आप अच्छी तरीके से जो डायरेक्टर की उम्मीद है उस पर खड़ी उतर पाएंगे आप? ये तो बहुत हार्ड है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट मैं हार्ड वर्क करूंगी और आई गिव माय बेस्ट। इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए, अगर आप कुछ बता पाएंगे इसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी में तो आप डीके सर से पूछेंगे तो बेटर है, बट इसमें यही है कि जो मेरा हीरो है वो बहुत ही बैड बॉय है, बाकी आप फिल्म बैड बॉय है तो उसे सुधारने के लिए फिल्म में किस तरह से आप सुधारेंगे? अभी से तैयारी चालू कर? ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं मेरे हीरो को सुधारने के लिए, बट वो मैं जो है अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी, जो कि फिर रिलीज हो जाएगी उसके बाद में एक्टिविटी आप सबको पता चल ही जाएगा। और इसमें हीरो जो है बहुत बिगड़ा हुआ है और उसी बेस पर लव स्टोरी सस्पेंस है, इसमें प्यार से रिलेटेड बहुत सारी फिल्में आई हैं, आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? सबसे हट के है, आपने देखा होगा कि लास्ट में क्या होता है कि झगड़ा होता है, मर्डर, बाद में स्टोरी एक हो जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लड़कियाँ साथ है, सात तो लीड करेक्टर में है और एक मेन है जो अभी आपके सामने पेश हुआ था। मूवी देखने के बाद आप लोग खुद पता चलेगा इसमें क्या है। तो इसमें जो स्टार कास्ट है उनका किस तरह से आपने चयन किया है, किस फिल्म के लिए वो परफेक्ट है? नहीं, जो हमारे करेक्टर था, हमने स्टोरी पूरा पढ़ा, जो अमित जी ने हमें पूरा बताया और उस हिसाब से मैंने करेक्टर को फाइनल किया और मुझे जो चाहिए वही करेक्टर मिल गया। तो आज का दिन ही क्यों चुना आपने मुहूर्त के लिए, और फिल्म की शूटिंग की बात की जाए तो कब तक फ्लोर पे जाएगी, कब तक शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी? शूटिंग नेक्स्ट मंथ रमजान जैसे खत्म हो रहा है, हम निकले छत्तीसगढ़ के, इसकी शूट है छत्तीसगढ़, बॉम्बे, गोवा। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को, क्या शुभकामनाएं होगी और आज फिल्म का मुहूर्त है, कितनी खुशी है इस बात की? जी, मेरा नाम अमित, अमित रेणु से खुश तो हूँ,
क्योंकि जब एक राइटर की दिमाग यानी राइटर का जो सोच है जब सामने प्रेजेंट होने जाता है तो राइटर तो खुश होता ही है ऑब्वियसली। आज के माहौल को एक मैसेज देना चाहूँगा क्योंकि ये फिल्म के माध्यम से हम एक समाज को मैसेज देने जा रहे हैं। वो मैसेज ऐसा है कि हम प्यार करते हैं ऑब्वियसली, आजकल प्यार करना बहुत आसान हो गया है लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन हो गया है। बिल्कुल सही बात है, प्यार करना बहुत आसान हो गया है, निभाना बहुत कठिन हो गया है। और यहाँ पर आपका प्यार कितना सच्चा है इसको हम प्रूव करा रहे हैं। आप जब इस कहानी को लेके आए थे तो दिमाग में क्या लेकर लिखो या किसी के सच्ची किसी की कहानी को देखकर आपने लिया या फिर आपकी सोच थी? ये हमारी सोच है और ये सोच को हमने कलम से लिखे। अपने प्यार के बारे में बताइए सर, आपका प्यार कितना सच्चा है? यस ऑब्वियसली हमारा प्यार सच्चा है। और कुछ रोहित? लोगों के बीच होगी तो दर्शकों से कोई अपील होगी आप लोगों की? जी हाँ, हम लोग चाहेंगे कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट मंथ निकले, शुक्र निकले 10 तारीख के बाद, जैसे रमजान खत्म हो रहा है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्द से कोशिश करेंगे कि हम सेटम ला के दें फिर लोग इसको देखें। लोकेशन क्या है सर, शूट कहाँ? छत्तीसगढ़, बॉम्बे और गोवा। तो इसमें कोई बड़े स्टार कास्ट को भी लेने का आपका? जी नहीं, क्योंकि लोग अपनी फिल्म को हिट करने के लिए बड़े स्टार कास्ट को। हाँ, इसमें एक दो आर्टिस्ट है जैसे असलम भाई है, वो है जिनको 4-5 फिल्में रिलीज हो चुकी है और भी राइटर भी है उनका कास्टिंग हुआ, लेकिन वैसे वो दिल्ली में नहीं आ पाए यहाँ पे। सर, इस फिल्म की कहानी में ऐसा क्या लगा कि आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया? ये एक प्यार के ऊपर कहानी है, मैं दिखाया गया भी एक सच्चा प्यार कैसे जीतते हैं, एक सच्चा प्यार कैसे जीतते हैं इसमें ये दिखाया गया। तो ये खाली यूथ के लिए होगा फिल्म या फिर हर जोनर्स के लोग इस फिल्म को पसंद? ये इसमें हर जनरेशन के लिए है भी, उन्हें एक शिक्षा मिलती है भी, हाँ प्यार की कीमत समझे। अब फिल्म के निर्माता है तो फिल्म का बहुत सारा भार आपके कंधे पे, तो किस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी फिल्म बनवाकर लोगों के सामने पेश करने की आपकी कोशिश होगी? आपसे पूछ रहे हैं। दीपक जी, मैं दीपक कुमार सिंह, मेरी एक श्रृंगार इंडिया म्यूजिक कंपनी जो आप सिंह को देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कंपनी है, तो इसके राइट्स वर्ल्ड वाइड खरीदे और सेल करने का बिजनेस है, तो इसमें डीके सरोज जी के साथ हमारा कंपनी ये पूरी फिल्म ऑल इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो इस शबनम जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और इसकी जी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर की गई है, मतलब कि सिम को भर रही है। ये हाशमी जी, जलाल हाशमी जी हमारे साथ रहते हैं और हम लोग मिल करके इस फिल्म को अच्छे से अच्छा ब्रांडिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये पब्लिक में पहुंचे और अच्छी हाईलाइट हो। और जो भी प्रोड्यूसर इसके साथ हमारे प्रवीण जी जो शबनम जी जुड़ रही हैं तो इनका हौसला और बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे कि ये कितना अच्छे से अच्छे फिल्म को फ्लोर पर लाने की कोशिश करें जल्दी जल्दी और हम लोग इसको ब्रांडिंग करके पूरे ऑल वर्ल्ड में भेजने की पूरी पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं होगी फिल्म के अनुमोदन हुआ है तो क्या शुभकामनाएं होंगी आपके फिल्म? पहले तो मैं सबसे धन्यवाद देता हूं मीडिया को कि आप लोग यहां तक आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है। दीपक कुमार जी काफ़ी अरसों से हमारे इस लाइन फिल्म लाइन में हैं और हमने इनका साथ निभा रहा हूँ। ये फिल्म जब कम्प्लीट हो जाएगी तो ये सारे राइट्स जो है ओवरसीज वगैरह ये सब करेंगे, सेटेलाइट वगैरह। और मैंने आपसे पहले भी कह चुका था कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीब्यूटर हूँ और मैं इनका साथ निभा रहा हूँ और डी के सरोज जी का भी मैं काफ़ी खास में खास हूँ और ये हमारे बहुत अजीज़ हैं और मैडम प्रोड्यूस हैं इस पिक्चर के, तो मैं काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ। बाकी मेरी दुआ है ये पिक्चर बने, रिलीज हो और मैं ये चाहता हूँ कि काफ़ी मुझे खुशी है कि फिल्में बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो फिल्म फिल्म होती है और ये भी बनेगी, रिलीज होगी। थैंक यू, आप लोग ने काफ़ी वक्त निकाल के हमारे साथ दिया और ये रमज़ान शरीफ का महीना है, बहुत मुबारक महीना है और हमारा रोज़ा का वक्त हो गया है, 1 मिनट और बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ने यहाँ तक पहुँचे। 25 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी संजो फिल्म मणिकर्णिका झांसी की रानी और सत्यमेव जयते रिलीज़ हो गई। 21 तारीख को शाहिद कपूर के साथ फिल्म रिलीज़ होगी जिसका नाम है कबीर सिंह। दीपक जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और शबनम जी की आज पहली बार मुलाकात हुई है,
लेकिन ये इतनी खूबसूरत हैं और अच्छी हैं, दिल की भी बहुत सच्ची है। तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि इन सब का प्रयास सफल हो, इसलिए बनाना चाहते हैं मेरा प्यार सच्चा। हाँ, इसीलिए इस फिल्म का नाम है मेरा प्यार सच्चा। मुझे उम्मीद है आप सबका प्यार भी सच्चा होगा। थैंक यू। हाँ जी, कितनी फिल्में कर जी? सब फिल्म में, फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, सब मिला के 500 से ऊपर हो चुका है सर मेरा स्कोर। और आपसे एक गुजारिश है कि YouTube पर एक चैनल चलता है जिसका नाम है इमोशनल पुल्स, इमोशनल FULLS पुल्स। तो उस पर जो मेरा एक शॉर्ट फिल्म है 5 मिनट 60 सेकंड की, जिसका नाम है ख़त, तो उसको आजकल जितनी भी एक्टिंग क्लासेस है वहाँ पर दिखाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में दिखाया जाता है, क्योंकि उसका मैसेज इतना अच्छा है। अभी तक 20 लाख लोग देख चुके हैं, आप लोग भी देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। थैंक यू। शुरू करूँ? यस सर। मेरा नाम है सुरेश शर्मा, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में मेरा प्रवेश कोई ज़्यादा पीरियड नहीं रखता। केवल मैंने 6 साल व्यतीत किए हैं और इसमें मैंने फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी कुछ हासिल भी किया है, यानी कि धन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत मिला है और बाकी जो तजुर्बा और जो मोहब्बत मिली है उसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। आज जो मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो दिल है इतना कूद रहा है, मैं गदगद हो गया हूँ आप इस समारोह को देखकर। ये समारोह हमारे लिए एक त्यौहार है, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे राइटर और हमारे जितने भी सहयोगी हैं क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि लादा क्यों जी आप मेरे साथ हैं सब लोग या नहीं हैं, ये बताइए। आज जिस माहौल में हमें और जिसके लिए हम आए हैं वो है प्यार मेरा सच्चा। इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है, जब दो प्रेम और प्रेयसी आपस में बात करते हैं और कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है, तो उसके ऊपर दो शेर याद आ गया मुझे। नजरों के तीर तो मैं बर्दाश्त कर लूँ, अगर आप मुझे हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो मैं फिर चुप हो जाऊंगा। हौसला अफजाई करती है, तालियां बजाइए कम से कम। धन्यवाद। नजरों के तीर तो मैं बर्दाश्त कर लूं, मगर जिगर के तीर का क्या होगा। नजरों के तीर तो मैं बर्दाश्त कर लूं, मगर जिगर के तीर का क्या होगा। तेरी बातें तो मुझे मंजूर हैं, तेरी बातें तो मुझे मंजूर हैं, लेकिन उन मुलाकातों का क्या होगा। ये मेरा स्वरचित जो शब्द थे जो मैंने आपके सामने उच्चारित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे मैं काफ़ी उसमें फिल्मों में भी, टीवी सीरियल्स में भी और एड्स में भी काम कर चुका हूँ, और लास्ट में मैंने अभी निमकी मुखिया में भी काफ़ी उसमें किरदारों में हर एक उसमें मैंने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि करीब करीब 20 से 25 सीरियल्स में कर चुका हूँ, ऐड भी कर चुका हूँ। अभी गया था मैं उनसे, उनके साथ में था ये आपके क्या कहना चाहिए उनके जो है ना शराब जो कि शराब के लड़के का नाम है टाइगर श्रॉफ के साथ में था, उसमें एक छोटा सा रोल था, बाकी काफ़ी जो है मैंने किया। हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत खुशी है इस फिल्म के बारे में। धन्यवाद, मुझे शुरू हो गया इनका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, मुझे इस फिल्म के बारे में बहुत खुशी है, डीके सर ने मुझे इसमें रोल भी दिया है। एक्चुअली मैं एड्स वगैरह करता हूँ, तो इस फिल्म के लिए मुझे बहुत एक्साइटेड, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस फिल्म का काम शुरू हो, यही मेरी खुशी है। जल्दी से ये फिल्म बने और एकदम अच्छा हो जाए सब। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से फिल्म की शूटिंग हो और फिर फिल्म रिलीज़ भी हो, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए। तो बहुत खुशी है, आज मुहूर्त हुआ। और रही बात इसमें मेरे को छोटा सा किरदार है, नेगेटिव किरदार, जो कि आज के जनरल नॉलेज में हो रहे हैं, जैसे लड़के लड़कियाँ किसी को देख के अट्रैक्शन हो जा रहे हैं, किसी के ऊपर मतलब बोलते हैं कि उसको हम प्यार बोलते हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके किरदार, आपको इस फिल्म में काम करने का मौका मिला, कितना खुशी और फिल्म का जरूरत हुआ? मुझे बहुत खुशी है, मैं दीपाली दगड़े, मैं सोलापुर से हूँ, तो मैं मराठी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे हिंदी फिल्म में बहुत जल्दी काम मिल गया, इसलिए मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है और आई एम सो हैप्पी टुडे। इससे पहले मैंने सीरियल्स एंड एक मनोज वाजपेयी जी के साथ भी मैंने कैरेक्टर किया है, बट जितना अच्छा मुझे रोल इसमें मिला है
अब तक का मेरा लाइफ का सबसे अच्छा यही मेरा कैरेक्टर है, तो आई एम सो हैप्पी टू टेक मेरा प्यार सच्चा है, क्या शुभकामनाएं बहुत, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली इससे पहले मैंने भी एक थिएटर भी किया, थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं। सबसे पहले मैंने स्टार्टअप किया था ठाकरी मूवी में नवाजुद्दीन सर के साथ, उसके बाद कोर्ट रूम सीरियल की, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था। लेकिन ये जो मुझे दिनेश सर ने जो अपॉर्चुनिटी दी है वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं अपना खुश नसीब समझूँगी उसके लिए, क्योंकि मैं एक महाराष्ट्रियन भी हूँ, तो मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। तो रोल के बारे कुछ बताना, क्या रोल है कुछ बताएगा आप, किस प्रकार का किरदार है? हाँ, एक फ्रेंड का रोल है उनके इस मूवी में, और ज़्यादा तो आपको मूवी में बता ही चलते हैं। क्या किस प्रकार का किरदार है आपको कुछ बताना चाहेंगे? मेरा एक्चुअली ऑफिस में एक कैरेक्टर है, और फिर फर्स्ट टाइम मुझे इतनी मूवी मिली तो सब सर को ऑब्वियसली थैंक यू बोलना चाहूँगी, अच्छा वर्क करके दिखाऊंगी। इसके पहले आपने क्या किया? हमने वेब सीरीज किया, एल्बम सॉन्ग एंड शॉर्ट मूवी किया हमने। तो आने वाले कुछ समय के प्रोजेक्ट है, पर इसके अलावा कुछ कर रही हैं आप? मे बी मूवीज वगैरह, दैट्स इट, थैंक यू। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, जैसे आप लोग चेहरे पे देख सकते हैं। सो इट इज़ लाइक पुलिस वाला कैरेक्टर है मेरा, सबसे दमदार कैरेक्टर है। आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिस भी तरीके से मुझे वो केस सॉल्व करना रहेगा और जितने इमोशंस हैं उसमें, वो भर भर के आपको देखने मिलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। थैंक यू।